नाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और यहां पर वो पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी दोपहर में 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं और उससे पहले यहां पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो 2 बजे का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो कई जगहों पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। तो चप्पे चप्पे पर पूरे तरीके से सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन इनका जायजा लेने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद रहेगी, एनएसजी एसटीएफ के कमांडो भी मौजूद रहेंगे और 30 दिसंबर को अयोध्या में सुरक्षा के खास इंतजाम, सख्त इंतजाम आपको दिखेंगे। एनएसजी के अलावा एसटीएफ एटीएस के कमांडो भी तैनात होंगे, 3 डीआईजी, 17 एसपी, 38 एडिशनल एसपी, 82 डिप्टी एसपी और 90 इंस्पेक्टर। इसके अलावा 325 सब इंस्पेक्टर, 35 महिला सब इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे और 2000 कांस्टेबल, 14 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी सीआरपीएफ तैनात रहेंगी। भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आने जाने वालों की भी कड़ी निगरानी यहां पर ड्रोन कैमरा के जरिए रखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी फिलहाल रद्द कर दी गई हैं 4 जनवरी तक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में एयरपोर्ट के जिस गेट से बाहर निकलेंगे उसे भी सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से पीएम बाहर निकलेंगे और यहीं से उनका रोड शो शुरू होगा। अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले से ही हो चुकी है। एक दिन के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 3 है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान दिखाएंगे कि ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है और यहीं से प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यहीं से आगे की तरफ उनका काफिला बढ़ेगा, आगे की तरफ शहर की तरफ, अयोध्या शहर की तरफ, धाम की तरफ, और उसके बाद साकेत पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है, उस दौरान उनका रोड शो होगा। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और काफ़ी खूबसूरत इस समय यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखें एयरपोर्ट के ठीक गेट के ऊपर एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है और जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दूसरी तरफ जो होर्डिंग है, डबल इंजन की सरकार, और जिसमें मेट्रो की तीव्र रफ्तार बढ़ी, ये अलग अलग तरीके की होर्डिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और अयोध्या धाम में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। सजावट के लिए कोलकाता, कानपुर और दिल्ली से मंगाए गए सैकड़ों क्विंटल फूल, पीएम मोदी के रोड शो वाले रास्तों पर पड़ने वाले पेड़ों पर भी फूल लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में 50 जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं और जब पीएम अयोध्या पहुंचेंगे तो उन पर संत समाज पुष्प वर्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन के जरिए देश दुनिया को बड़ा संदेश देंगे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम का रोड शो करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें पीएम मोदी NH-27, धर्म पथ, लता मंगेशकर चौक, राम पथ से गुजरेंगे। इसके अलावा उनका रोड शो टेढ़ी बाजार, मोबरा चौराहे से होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाएगा। उनके रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
तो एयरपोर्ट के नामकरण से पहले अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी एक दिन पहले नया नाम मिला है। अयोध्या जंक्शन की जगह अब रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। कल इस स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो रोड शो के मद्देनजर भी सुरक्षा चाक चौबंद है और रेलवे स्टेशन का नाम भी अब चूंकि बदल दिया गया है तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। कल इसी स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सफाई अभियान जारी है। केशव मौर्य ने आज निषाद मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर साफ सफाई की, कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाया और स्वच्छ अयोध्या सुंदर अयोध्या का संदेश दिया। पिछले चार दिन से अयोध्या की सड़कों पर सफाई करते हुए केशव मौर्य नजर आ रहे हैं। जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पधार रहे हैं। स्वच्छता उनका प्रिय विषय है, जो राम के सेवकों की भी सेवा करें, ऐसी सेवा करने का सौभाग्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी पहुंचे और उन्होंने राम जन्मभूमि कार्यशाला में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। परिवहन मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड 15 एकड़ में बनाया जाएगा, जो कि एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। इसमें एक ही छत के नीचे मॉल, होटल और VIP लॉन्च के साथ कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी योजना है। हमारे परिवहन विभाग ने जो अपना यहाँ नया डिपो बनाने जा रहे हैं, वो भी हवाई अड्डा की तरह सुविधाएं युक्त डिपो बनने जा रहा है और 15 एकड़ में बनेगा, जिसमें मॉल भी होगा, उसमें होटल भी होगा, एयरपोर्ट की तरह उसके VIP लाउंज होंगे, अच्छे शौचालय होंगे, सब चीज़ एक ही छतरी के नीचे लोगों को मिलेगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में देश के कोने कोने से सहायता दी जा रही है। रामेश्वर से मंदिर में स्थापित करने के लिए 600 किलोग्राम की घंटी आई है, जिसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा।